इनकम टैक्स ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं। कर भुगतान ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन तक सभी की नजर इस पर रहती है। जब भी बजट आता है, कर उन सेवाओं पर लगाया जाता है जो कि हम किसी भी रूप में किसी से ले रहे हैं। अगर कोई बिजनेस है और वो प्रोडक्ट का उत्पादन करता है और उसे बेचने के लिए मार्केट में भेजता है तो उस पर गुड एंड सर्विस टैक्स लगता है। इसी तरह कोई भी बिजनेस है जो सरकार द्वारा दी गई लिमिट के ऊपर का लाभ कमाती है तो वो कर भुगतान के लिए देय होती है। इसी तरह जॉब करने वाली एम्प्लॉई जब एक मानक से ऊपर कमाते हैं तो उन्हें भी टैक्स भरना होता है। वर्तमान आयकर स्लैब 2020-2021 के अनुसार 60 वर्ष से कम निवासी व्यक्तियों की आय का कराधान निम्न अनुसार है। यदि आप वेतन भोगी व्यक्ति हैं, तो आपके नियोक्ता को आपके वेतन से मिलने वाले करों में कटौती करनी होगी। लेकिन यदि आप स्वनियोजित हैं या वेतन से परे आए हैं, तो स्रोत पर काटे गए कर आपके आयकर भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये निर्धारित करने के लिए कि कितना कर देना होगा या कितना कर रिटर्न वापसी होगी, उसके लिए मानक बने हुए हैं। जब आप कर भुगतान करने जाते हैं तो ई टैक्स भुगतान करदाताओं को कर भुगतान के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास चयनित बैंक का नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड होना आवश्यक है। ई टैक्स का भुगतान करने के लिए संबंधित चालान यानी ITNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284, ITNS 285, 286, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QD, फॉर्म 26QB, 26QC, 26QD के लिए डिमांड भुगतान का चयन करें। ऑनलाइन आयकर रिटर्न कौन दाखिल कर सकता है? भारत अन्य देशों की तरह एक प्रगतिशील आयकर संरचना का अनुसरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च आय वाले व्यक्ति को उच्च दर से कर जमा करना होता है। आयकर देने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए योग्य है। इसके अलावा भले ही आपकी आय कर योग्य सीमा से कम है, आप आसान ऋण जैसे संबद्ध लाभों का लाभ उठाने के लिए हमेशा शून्य रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार यदि आप निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं, तो आप ITR दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं। भारतीय नागरिक जिनकी वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक है, 60 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिक जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है, 80 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिक जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से अधिक है, एक फर्म सहकारी समिति BOI, AOP, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति और स्थानीय प्राधिकरण यदि आप भारत के निवासी हैं लेकिन भारत के बाहर की इकाई में संपत्ति या वित्तीय हित है, एक निर्धारित जो US 139 का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है, यदि आप किसी ऐसे खाते के हस्ताक्षरित प्राधिकारी के साथ भारतीय हैं जिसे आप भारत से बाहर रख रहे हैं, यदि आप धारा 90 या 90A के तहत कर राहत का दावा करते हैं या कटौती धारा 91 के अनुसार दावा करते हैं, सभी कंपनियां उत्तरदायी हैं। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? अपने बैंक के माध्यम से ऑनलाइन आयकर का भुगतान करने के लिए नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। करों का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आपके पास नामित बैंकों में खाता नहीं है, तो आप ऑनलाइन कर भुगतान करने के लिए किसी के भी खाते का उपयोग कर सकते हैं। चालान में अपना पैन लिखना ना भूलें। किसी भी नामित बैंक की किसी भी शाखा में आयकर भुगतान ऑफलाइन कर सकते हैं। उसके लिए चालान भरें, निकटतम शाखा में जाएं और भुगतान करें। वेतन भोगी व्यक्ति कुछ सरल चरणों का पालन करके अपना आयकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क पर जाएं, अपना आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के लिए इस लिंक पर जाएं। ऑनलाइन भुगतान के लिए आयकर चालान के रूप में चालान नंबर ITNS 280 के विकल्प पर क्लिक करें और अगले पेज पर जाएं। व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। व्यक्तियों के लिए पहला चरण ऑप्शन में कर लागू विकल्प में आयकर का चयन करें। दूसरा चरण निम्नलिखित में से भुगतान के प्रकार का चयन करें। 100 एडवांस टैक्स, 102 सुट टैक्स, 106 वितरित लाभ पर कर, 107 वितरित आय पर कर, 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स, 400 नियमित मूल्यांकन पर कर। स्व मूल्यांकन पर टैक्स भुगतान के लिए विकल्प चुनें। तीसरा चरण अपनी पसंद के भुगतान के तरीके का चयन करें। दो विकल्प उपलब्ध हैं, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। चौथा चरण अपना पैन दर्ज करें और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष चुनें। वित्तीय वर्ष 2019-2020, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020 के लिए प्रासंगिक आयु 2021-2022 है। पांचवा चरण अपना पूरा पता दर्ज करें। छठा चरण दिए गए स्थान में कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़कर क्लिक करें। आपके द्वारा दी गई सभी सूचनाओं को क्रॉस चेक करें और फिर अपने बैंक का विकल्प चुनें। विकल्प चुनते ही ये बैंक के भुगतान पृष्ठ कर ले जाएंगे। टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके एग्री करें कि आप उनकी शर्तों को मानते हैं। रसीद जांचें,
भुगतान के सफल समापन होने पर आपको अगली स्क्रीन पर एक कर रसीद मिलेगी, जहां आप भुगतान विवरण देख सकते हैं। आप चालान के दाईं ओर PSR कोड और चालान क्रमांक संख्या की जांच कर सकते हैं। नोट: अपनी कर रसीद की एक प्रति को सेव कर लें या एक स्क्रीनशॉट लें। आपको अपने टैक्स रिटर्न में BSR कोड और चालान नंबर की आवश्यकता होगी। भुगतान के बाद आयकर रिटर्न कैसे दाखिल करें? आयकर ऑनलाइन भुगतान के सफल समापन के बाद अपने आयकर रिटर्न में फाइल आयकर रिटर्न पृष्ठ पर जाकर कर सकते हैं। एडवांस टैक्स पेमेंट। एडवांस टैक्स पेमेंट उन लोगों के लिए लागू होता है जिनके पास कर बकाया राशि 10,000 रुपए से अधिक है। ज्यादातर मामलों में वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उनके संबंधित नियोक्ताओं द्वारा TDS के साथ कर भुगतान पर ध्यान दिया जाता है। जब किसी का कर भुगतान पूंजीगत लाभ, अर्जित ब्याज और किराए की आय से रिटर्न के परिणाम स्वरूप 10,000 रुपए से अधिक है, फ्रीलांसर्स और व्यापार मालिक भी अग्रिम आयकर भुगतान कर सकते हैं। अग्रिम कर गणना और भुगतान। देय अग्रिम कर राशि की गणना करने के लिए पहले अपनी कर योग्य आय जानना होगा। ऐसा करने के लिए अपनी आय को इसमें जोड़ें। सभी स्रोत जैसे वेतन, पूंजीगत लाभ, ब्याज आदि। फ्रीलांसर्स को अपनी वार्षिक आय के बारे में एक अनुमान बनाने और उनके लागू होने वाले खर्चों जैसे कि कार्यस्थल किराए, बिल, यात्रा व्यय आदि के लिए कटौती करनी होगी। इसके बाद अपनी आय की अनुमति के लिए कटौती का निर्धारण करना होगा। कुल आय में इन कटौती को लागू करने के बाद लोग अपनी कर योग्य आय का अनुमान लगा सकते हैं। दे एडवांस टैक्स की गणना व्यक्तिगत रूप से प्रश्न में लागू आयकर स्लैब दर के आधार पर की जाती है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।